अस्सलाम वालेकुम न्यू व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट लेट की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स पे। तो इससे पहले हमने लेट की प्रिपरेशन के लिए आपके साथ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स डिस्कस किए थे, क्योंकि आपको इंग्लिश में से सिनोनिम एंटोनिम और प्रेपोजिशन के 20 MCQ आते हैं 20 मार्क्स के लिए। तो सिनोनिम ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स पे। तो सबसे पहले एंटोनिम है, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेलोस। इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम याद रखने हैं आपने, स्टिंजी, सेल्फिश एंड अनकाइंड। और यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम है जी बीटी, स्टिंजी। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ कर्जियस। कर्जियस का मतलब होता है बहादुर। इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम याद रखने हैं आपने, टिमिड, शाय, फेयरफुल और अफ्रेड। इसके लिए करेक्ट एंटोनिम आपके पास चार्ली ऑप्शन में, टिमिड। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है फतह। इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम याद रखने हैं अपने, डिफीट, फेलियर और लॉस। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बीटा, डिफीट, जो कि करेक्ट एंटोनिम है विक्ट्री के लिए। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है कदीम या पुराना। इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम याद रखने हैं अपने, मॉडर्न, करंट एंड फ्रेश। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बीटा, मॉडर्न, जो कि करेक्ट एंटोनिम है एंशियंट के लिए। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ काम। काम का मतलब होता है पुरसकून। इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम याद रखना है, टर्बुलेंट, एक्साइटेड एंड पैशनेट। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, टर्बुलेंट, जो कि करेक्ट एंटोनिम है काम के लिए। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। इसके लिए एंटोनिम याद रखना है अगली, रफ एंड ऑकवर्ड। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, अगली, जो कि करेक्ट एंटोनिम है ब्यूटीफुल के लिए। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना या बढ़ाना। इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम याद रखने हैं आपने, श्रिंक, क्लोज, हाइड एंड थिन। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली, जो कि करेक्ट एंटोनिम है एक्सपेंड के लिए। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। इसके लिए एंटोनिम याद रखने हैं आपने, गिल्टी, एविल, सिनफुल एंड बैड। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपके पास एल्फा, गिल्टी, जो कि करेक्ट एंटोनिम है इनोसेंट के लिए। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरा, ठीक है। इसके लिए एंटोनिम याद रखने हैं आपने, स्मूथ, एक्यूरेट, सॉफ्ट एंड काम। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली, स्मूथ, विच इज़ करेक्ट एंटोनिम फॉर रफ। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचा या मतलब निचला हिस्सा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम है अबव, हायर, ओवर, पीक, टाइप, टॉप एक्सेट्रा, इस तरह के, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे चार्ली, अबव, जो कि करेक्ट एंटोनिम है बीनीथ के लिए। MCQ नंबर 11 है, एंटोनिम ऑफ हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? कोई सख्त चीज़, ठीक है। इसके लिए एंटोनिम याद रखने हैं अपने, सॉफ्ट, डेलिकेट एंड वीक। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, सॉफ्ट, जो कि करेक्ट एंटोनिम है हार्ड के लिए। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना या मतलब दोस्त, अच्छा बिहेवियर, काइंड बिहेवियर रखने वाला, ठीक है। सिंपल कह सकते हैं फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना। इसके लिए एंटोनिम जो आपने याद रखने हैं वो हैं होस्टाइल, अनफ्रेंडली एंड अनकाइंड। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बीटा, होस्टाइल, जो कि करेक्ट एंटोनिम है फ्रेंडली के लिए। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड ऑलरेडी देखा है, MCQ ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम आपने याद रखने थे श्रिंक, क्लोज, हाइड एंड थिन एंड क्लोज, ठीक है। और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, श्रिंक, जिसका मतलब होता है क्या जी, सुकड़ना, सुकेड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट एंटोनिम है श्रिंक, फॉर्स, एक्सपेंड। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है रोशन। इसके लिए करेक्ट एंटोनिम है आपके पास चार्ली, डल। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। इसके लिए एंटोनिम आपने याद रखने हैं रिजेक्ट, डिस्कार्ड एंड लूज। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, रिजेक्ट, जो कि करेक्ट एंटोनिम है एक्सेप्ट के लिए। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ अर्ली। अर्ली के लिए एंटोनिम याद रखने हैं आपने लेट, फ्यूचर, ओल्ड एंड लेटर। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपके पास चार्ली, लेट, जो कि करेक्ट एंटोनिम है अर्ली के लिए। आगे व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है खामोश। इसके लिए एंटोनिम याद रखने हैं आपने नॉइजी, ट्रबल्ड एंड लाउड। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, नॉइजी, जो कि एंटोनिम है करेक्ट क्वाइट के लिए। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज़। इसके लिए एंटोनिम आपने याद रखने हैं स्लो, डल एंड क्लमसी, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, स्लो, जो कि एंटोनिम है करेक्टली फॉर फास्ट। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। इसके लिए एंटोनिम आपने याद रखने हैं एक्सक्लूड, निकाल देना, टेक आउट भी निकाल देना, या रिफ्यूज़ या इनकार कर देना, ठीक है। ये इसके लिए एंटोनिम है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपके पास
चार्ली एक्सक्लूड जो कि करेक्ट एंटोनेम है इंक्लूड के लिए। लास्ट एंटोनेम है जी आपके लिए, व्हाट इज़ द एंटोनेम ऑफ लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है महदूद या जिसकी कोई हद हो। इसके लिए एंटोनेम आपने याद रखने हैं बाउंडलेस, अनलिमिटेड एंड फ्री। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, बाउंडलेस, ला महदूद। ठीक है, तो बाउंडलेस करेक्ट एंटोनेम है लिमिटेड के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थे इंपॉर्टेंट एंटोनेम फॉर द एडमिशन टेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।